The question is that we have to prove that the equation of the chord that is joining A and B on the ellipse x square upon a square plus me y square upon b square equal to 1 is this. ठीक है, तो हमें एक प्रूव करना है कि जो कोड की इक्वेशन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दैट इज जॉइनिंग बोथ द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स. ठीक है, तो नाउ लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट्स ऑफ द कोड, जो कोड के जो पॉइंट्स है बी पी एंड क्यू. ठीक है, बी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू हमने लेट कर लिए, तो कोई भी पैरामेट्रिक हम नेम दे सकते हैं. ठीक है, तो पी हमने लेट कर लिया ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, और क्यू हमने लेट कर लिया ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा. ठीक है, ये दो कोई पॉइंट्स हो गए. ठीक है, तो अब पी क्यू का स्लोप क्या होगा हमारे पास? हमारे पास अगर कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो अगर ये दोनों किसी लाइन के पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है हमारे पास? वो होता है इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस में एक्स वन. तो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू इट वुड बी इक्वल टू बी साइन थीटा माइनस बी साइन बीटा अपॉन में ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा. ठीक है, तो यहाँ से अगर b कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. ठीक है, अब इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y का, ये हमारे पास इक्वल होता है टू इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू, और अप्लाई करते हैं फॉर्मूला कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ y का इक्वल होता है माइनस टू इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू. तो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? b अपॉन a यहाँ आ जाएगा टू इंटू में साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में टू अपॉन में माइनस टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में टू. तो ये कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ऐसा क्या बचेगा? माइनस साइन बचेगा एक, तो ये माइनस बी अपॉन में ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास? कॉट. तो यहाँ आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू. तो दिस इज द स्लोप ऑफ पी क्यू. अब इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं हम पी क्यू की, सॉरी जो कोड है, ठीक है, पी क्यू की इक्वेशन निकालते हैं. हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं और हमारे पास स्लोप है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं. किस तरह निकालेंगे? अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट गिवन होता है लाइन का, और लाइन का अगर स्लोप गिवन होता है, तो इक्वेशन होते हैं वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू में एक्स माइनस में एक्स वन. तो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा? वाई माइनस बी इंटू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इंटू में कॉस कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा. ठीक है, अब तो अब यहाँ से ये माइनस जो भी है इसे हम यहाँ ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वाई अपॉन में माइनस बी और माइनस बी अपॉन साइन अल्फा अपॉन में माइनस बी. तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ प्लस हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इक्वल यहाँ क्या बचेगा? वन अपॉन में ए. अब कोट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू अपॉन में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू, और यहाँ क्या है? एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई अपॉन माइनस बी प्लस में साइन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू इंटू एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, ये आ गया. तो यहाँ से इस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा? माइनस
y अपॉन बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू इक्वल टू, और कॉस को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वन अपॉन ए इंटू कॉस को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू माइनस में कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ पहले से ए था, ठीक है, अपॉन में ए भी मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वांटिटी को हम ले आते हैं यहाँ और इसे यहाँ ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, अब इसे उल्टा करके लिख रहे हैं थोड़ा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू प्लस में वाई अपॉन बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू प्लस में साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू, ठीक है। तो यहाँ से अब इसे देखते हैं, इसे किससे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे ही हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है फोर कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का, ये हमारे पास क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस में साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, तो इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसे, दैट कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू, ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ टू अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन में टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन ए इज सेम क्वान्टिटी एक्स अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू प्लस में वाई अपॉन बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू। तो ये हमें प्रूव करना था कि यही हमारे पास कोड की इक्वेशन आएगी जो कि हमें प्रूव कर दी।